हेलो गाइस, हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो यार। ये जो कोविड की सेकेंड वेव आई है, इस सिचुएशन में हम सबको एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा नाम प्रणव जैन है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं अभी कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा सकूं, या मैं उनको प्लाज्मा डोनेट नहीं करा सकता और ना ही मैं उनको बेड प्रोवाइड करा सकता। तो ऐसे में मैं या फिर मेरी तरह बाकी जो लोग घर पे बैठे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इंडिया में डेली 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और ये नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है एक दूसरे की मदद करके। अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक यूज करते हैं तो आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कुछ मीमर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए या कुछ बॉलीवुड स्टार्स हो गए, वो लोग हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं। वो लोग एक कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जिनको मदद की जरूरत है और जो लोग मदद करना चाहते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी स्टेटस लग रहे हैं उनको एक बार देख लीजिए। बहुत लोग उस चीज को इग्नोर कर दे रहे हैं। आप उसको देख लीजिए कि क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक मदद से आपके एक स्टेप से बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। ये थी पहली बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं वो है रिगार्डिंग प्लाज्मा डोनेशन। इंडिया में डेली 1 से 1.5 लाख लोग रिकवर हो रहे हैं। प्लाज्मा डोनर्स का काउंट बहुत कम है एज कंपेयर टू प्लाज्मा डोनेशन की रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत ज्यादा है। ये किस वजह से है? ये है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। सबसे पहले बात, लोगों को पता ही नहीं है कि प्लाज्मा होता क्या है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक कॉम्पोनेंट है, एक हिस्सा है। अगर आप एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं विद इन 28 डेज, तो आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज हैं, वो इम्यूनिटी है, वो प्रतिरोधक क्षमता है जिससे आप कोरोना वायरस से बचे हैं। तो प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में यही किया जाता है कि जो पेशेंट कोरोना से रिकवर हो गए हैं उनका ब्लड निकाल के उससे प्लाज्मा अलग करके उन पेशेंट को दे दिया जाता है जो अभी कोरोना से सफर कर रहे हैं। इसी वजह से आप स्टेटस देख रहे होंगे अर्जेंट प्लाज्मा रिक्वायर्ड। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो आप इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज हमारे चारों तरफ बहुत सारे कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हैं। आप उनको अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी। एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बेड्स, रिगार्डिंग वैक्सीन्स, रिगार्डिंग इंजेक्शन, तो आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद में क्या करूंगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे या रिक्वायरमेंट बताओगे, मैं उस चीज को अपने यूट्यूब की स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम पेज के पर अपलोड कर दूंगा, जिससे मैं भी एक कम्युनिकेशन का काम कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सोच पसंद आई है तो इस सोच को आगे जरूर बढ़ाइएगा और घर पर रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।